बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में एक और बार आप सबको बहुत खुशी के साथ इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है। आप लोग लगातार प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि प्रभु के वचन में हम लोग देखते हैं दूसरे जगह हजार दिन रहने के बदले परमेश्वर के करीब एक दिन रहना बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। क्योंकि हमारा परमेश्वर के सन्निधि में, हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिताते, एक मिनट भी बिताते क्वालिटी टाइम, तो उसका अर्थ है। बाल की पुजारी को आप देखते हैं बाइबल में, वो पूरा दिन सुबह से दोपहर तक वो लोग अपने शरीर को काट लिया, लहू लुहान हो गए और दुहाई दी। उनका ईश्वर नहीं सुना, कोई एक भी नहीं आया मदद के लिए। लेकिन वो हारने के बाद वो थक गए, उसके बाद एलिय्याह को बताया, ठीक है अभी आप प्रार्थना करो। तो एलिय्याह उस वेदी के ऊपर पानी डलवाया, 12 बाल्टी पानी डलवाया और उसको पूरा पानी से भिगो दिया। उसके बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना कर ही रहा था, स्वर्ग से परमेश्वर आग को भेजकर उस वेदी को, उस बलिदान को भस्म कर दिया, यानी स्वीकार कर लिया, आग आकर उसको स्वीकार किया। मेरे प्रियो, मैं ये कहने जा रहा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में हम जो समय बिता रहे हैं ना, एक मिनट भी क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं ना, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है, फायदा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है, वो कोई मूर्ति में रहने वाला नहीं है, वो कोई एक जगह में रहने वाला नहीं है, वो आपके करीब है, आपके हृदय में है, आपके पास में है, आपके पास जिसे छाया, आपके पास लगातार आपके पास रहती है, वैसे परमेश्वर आपके पास हमेशा सर्वदा रहता है। बस उसको बुलाने की ज़रूरत है, उसको अपने हृदय में स्वीकार करने की ज़रूरत है, वो तैयार है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं आपके हृदय का दरवाजे खटखटा रहा हूँ, अगर आप खोलोगे मैं आपके भीतर आऊँगा, आपके साथ भोजन करूँगा और आप मेरे साथ। परमेश्वर जबरदस्ती ना हमारे अंदर नहीं आना चाहता है, हमें पहले परमेश्वर निमंत्रण देता है, मुझे बुलाओ मैं आऊँगा, संकट में मुझे पुकार मैं आकर तुझे छुड़ाऊँगा, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर को ढूंढो जब वो करीब है, जब वो मिल सकता है, हम परमेश्वर को ढूंढना है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु हमें विश्राम देने के लिए, हमें शांति देने के लिए हमको बुला रहा है। देखिए, अगर एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाकर चंगा हो गया है, तो वो दूसरों के पास जाकर जो बीमार में है उनको जाकर कहेगा, भाई तुम उस डॉक्टर के पास जाओ, मैं भी वहां पर गया था, मैं चंगा हो गया, तुम भी जाओ। लेकिन वो ये नहीं कहेगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि उनसे नहीं होता है, वो भी दूसरों के पास जाकर चंगे हुए हैं, इसलिए दूसरों के पास उनको भी भेज रहे। लेकिन यीशु कहा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। यीशु आपको विश्राम देने के लिए वो तैयार है, आपको वो विश्रांति देने दे सकता है, क्योंकि वो उसके पास विश्रांति है, वो शांति का राजकुमार है, वो अपनी शांति से आपको भर सकता है, उसको कोई दूसरे से शांति लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद शांति का राजकुमार है, विश्रांति से भरपूर है, वो बरकत से भरपूर है, धन दौलत से भरपूर है। उसके पास जब हम आएंगे, अपना विश्रांति वो हमको दे सकता है। वो इधर जाओ उधर जाओ करके नहीं बोला, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं आपको विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, हमें यीशु के पास जब आएंगे, यीशु मसीह हमको अपनी शांति से भर देगा। फर्स्ट हमें शांति को पाने के लिए यीशु के पास, उसके करीब आना जरूरी है, तभी प्रभु हमें अपनी शांति से भर देगा। वो कह रहा है, संकट में मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारे लिए देखिए, बहुत दरवाजा खुला है। आप अपने जीवन के बारे में क्यों चिंता करते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी के बारे में क्यों चिंता करते हैं, सब प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रभु आपकी चिंता करता है। और हमको एक काम करना है, प्रभु के पास आना है, उसके कदमों में बैठना है। मरियम यीशु के पास आई और उसके वचनों को सुनने लगी, मार्था काम में व्यस्त हो गई थी। प्रभु यीशु के पास आकर मार्था कहने लगी, प्रभु
मरियम को भी मेरी बहन को भेज दो कि वो मेरे मुझे काम में मदद करे। यीशु ने कहा, मरियम अच्छा भाग को चुना है, कोई उससे उस भाग को छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, हमें यीशु के पास आना जरूरी है, उसके कदम में बैठ के उसका वचन को सुनना है, हमारे सारी बोझ जिम्मेदारी प्रभु के हाथ में सौंप देना है, उस पर भरोसा करना है, दिन रात उससे लवलीन उसमें लवलीन रहना है, उसके वचनों में बने रहना है और उसकी मदद मांगना है। धन्य है वे जिसका परमेश्वर यहोवा है, धन्य है वे जिसका भरोसा उस परमेश्वर यहोवा पर है। अगर आपका विश्वास, मेरा विश्वास अगर परमेश्वर यहोवा पर है तो हम धन्य हैं। बाइबल हमें धन्य बताती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। मैं उम्मीद करता हूँ प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर कोई तकलीफ में है घर की जिम्मेदारियों को लेकर, और घर को चलाने के लिए पैसा नहीं है, और कैसे चलाए, घर की जरूरत कैसे पूरा करे, बच्चों को कैसे पाले, काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करे? चिंता नहीं करना, प्रभु के ऊपर डाल देना और प्रभु पर भरोसा रखना। प्रभु आपके लिए एक अच्छा काम देगा, आपकी जरूरतों को सही समय पर प्रभु पूरा करेगा। फूलों को देखो, वो ना काटते हैं ना ताकते हैं ना वो परिश्रम नहीं करते, परमेश्वर उनको पहना रहा है। आकाश की पक्षियों को देखो, वो उड़ रहे, वो खत्ते में बटोर के नहीं रखते हैं, वो कोई बीज नहीं बोते, परमेश्वर उनको पालन पोषण कर रहा है। तो उनसे भी तुम बहुत बढ़कर हो, बहुत अनमोल हो। प्रभु उनको खिला रहा है, उनको पहना रहा है, तो तुमको भी जरूर पहनाएगा, तुमको भी जरूर खिलाएगा, तुम्हारा पालन पोषण करेगा। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो जिंदगी दिया है, वो इस जिंदगी का जिम्मेदार है, परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से चलाएगा। याद कीजिए, इसराइल लोगों को जब कनान देश जा रहे थे, मिस्र देश से निकल से कनान देश को वो जा रहे थे, रास्ता पे उनके लिए भूख लगी तो परमेश्वर मन्ना दिया, प्यास लगी पत्थर में से पानी, चट्टान में से पानी दिया, धूप में धूप लगी उनको छाया बनकर उनकी रक्षा किया, और रात में ठंड लग रही थी उनको आग का खंभा बनके उनको गर्मी भी दिया, उजाला भी दिया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब उनको आगे रास्ता नहीं दिख रहा था, समुद्र था, परमेश्वर उस समुद्र को खोलकर रास्ता बनाए। यस, गॉड कैन मेक अ वे फॉर यू, गॉड विल प्रोवाइड, गॉड विल मेक अ वे फॉर यू वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। जब रास्ता ही नहीं दिख रहा है, जब अंधकार दिख रहा है, कुछ करना सूझ नहीं रहा है, आगे क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर समुद्र को दो भाग करके रास्ता बनाया। वो परमेश्वर आज भी वो एक सा है, वो नहीं बदला, उसकी ताकत नहीं बदली है। आप परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। क्या आपका कोई सब मार्ग बंद हो चुका है, सब रास्ता बंद हो चुके? परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। विरोधी लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, परमेश्वर फिरौन की सेना को समुद्र में डुबो के मार दिया और अपने लोगों को जय दिलाया। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। आपके विरोधी लोग क्या आपका विरोध कर रहे हैं, आपसे जलन कर रहे हैं, आपको गिराना चाहते हैं? डोंट वरी, चिंता मत करना, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको जय दिलाएगा। आपको जय दिलाने के लिए आपके पास लगातार वो बना है यीशु मसीह, उस पर भरोसा रखना, उसके पास आना। प्रभु इन वचनों से आपको ब्लेस करे। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमानी बाप, प्रभु यीशु के नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इन मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना, जो परिवार के चिंता को लेकर दुखी हैं, वो परमेश्वर जो घर के घर को लेकर वो दुखी हैं, परिवार को कैसे चलाए, कोई काम नहीं है, घर का जरूरतों को कैसे पूरा करे, कोई भी जो चिंता कर रहे हैं, मेरे प्रभु उनके सारे चिंता को दूर कर, उनके लिए प्रभु जी नया मार्ग खोल दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर दे, उनको जो चाहिए प्रभु जी आप उनको प्रदान करिए। मेरे परमेश्वर वो आपके पास आ रहे हैं, आप उनको विश्रांति से भर दीजिए। मेरे परमेश्वर मांगो तो तुम्हें मिलेगा करके तूने कहा है। जब ये लोग मांग रहे मेरे प्रभु, आप इनकी प्रार्थना को सुन, इनकी पुकार को सुन, इनकी जरूरत को प्रदान कर मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस करना यीशु के नाम में। प्रभु आप इनको सुन रहे, धन्यवाद, इनको ब्लेस कर रहे, धन्यवाद। ओ मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए नया मार्ग खोलने जा रहे, कितने लोग विश्वास करेंगे? आमीन कहिए।
प्रभु आपके लिए मार्ग खोल रहे हैं, प्रभु आपके लिए नया नया दरवाजा खोल रहे हैं, प्रभु आपका रुका हुआ काम को पूरा कर रहे हैं, प्रभु आपके एक अच्छा काम दे रहे हैं। आप प्रभु जिनकी शादी नहीं हुई है, प्रभु आपकी शादी होने में प्रभु मदद कर रहे हैं। विश्वास करने वाले आमीन कहेंगे, हालेलुया। प्रभु आप प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें, ऐसे लगातार प्रभु के वचनों को आप सुनते रहना है, प्रभु में बढ़ते रहना है, एनकरेजिंग मैसेजेस को पाते रहना है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जब नया वीडियो डालेंगे आप लोग सबसे पहले सुन सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हो सके तो फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें, एक और नए वीडियो में फिर से हम लोग जल्दी से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे।